स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के विदिशा के गुलाबगंज के भांजे कौन बनेगा करोड़पति में दिखेंगे कौन बनेगा करोड़पति के कर्मवीर एपिसोड में 16 अक्टूबर की रात गुलाबगंज के भांजे ज्ञानेंद्र पुरोहित और उनकी पत्नी मोनिका हॉट सीट पर होंगी। इंदौर में मूक बधिर बच्चों के लिए आश्रम चलाने वाले पुरोहित दंपत्ति ने कोरोना काल में एक ऐप के जरिए सैकड़ों बच्चों को जोड़ने का काम किया है। अपने नगर के भांजे को हॉट सीट पर देखने और अमिताभ बच्चन के सवालों के जवाब देते देखने सुनने को गुलाबगंज के लोग उत्सुक हैं। ज्ञानेंद्र की मां गुलाबगंज की थी। ज्ञानेंद्र के बड़े भाई आनंद पुरोहित मूक बधिर थे जिनका ट्रेन हादसे में निधन हो गया था। इनका ज्ञानेंद्र को इतना आघात लगा कि उन्होंने पत्नी मोनिका के साथ मिलकर मूक बधिरों के लिए एक संस्था बना ली। 26 अक्टूबर को गुलाबगंज में आएगी गीता भारत से बिछड़कर पाकिस्तान चली गई। गीता मूक बधिर होने के कारण पाकिस्तान में रही उसे तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के प्रयासों से भारत लाया गया था। इसके बाद उसे मूक बधिर स्कूल में रखा था। इसमें ज्ञानेंद्र पुरोहित भी सक्रिय रहे थे। अब उनकी संस्था के साथ ही गीता काम करती है। गुलाबगंज में मंगल धाम आरती के पंडित दिनेश शर्मा जो योगेंद्र पुरोहित के मामा हैं बताते हैं कि 26 अक्टूबर को उनके ज्ञानेंद्र गीता को लेकर मंगल आरती में सम्मिलित होने आ रहे हैं। नेशनल हेड आसिफ हैदर आपदी की रिपोर्ट।